हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको मास्क के बारे में बताऊंगी। मैंने ये आज गोंद का मास्क बनाया है, तो मैं बनाने से पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर लिखिए। तो मैं आपको चलो बता देती हूँ मैंने इसको कैसे बनाया है। ये ग्रीन टी का पानी है, ये ऑर्गेनिक ग्रीन टी जो मैंने ली है, ये देखिए ये ग्रीन टी है, ऑर्गेनिक ग्रीन टी। इसको क्या करना है, आधे गिलास पानी में लेना है। इसमें मैंने मुलेठी का पाउडर भी डाला है, इन दोनों को, मुलेठी के पाउडर और ये ग्रीन टी, इन दोनों को गर्म आधे गिलास पानी में गैस पर रखना है, और आधे गिलास से जब वो 1/4 रह जाए तो उसको आपको गैस से उतारना है। छानने के बाद ये देखिए ये ऐसा हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, उस पानी में आपको गोंद लेना है। ये देखिए ये गोंद है, गोंद ये हार्ड होता है, बहुत हार्ड है ये गोंद, देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो लेकिन आप जब इसे गर्म पानी में डालेंगे तो ये आधे घंटे के अंदर अंदर ये पूरा जेल फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए ऐसे होता है, इतना ठीक हो जाता है एकदम। ये देखिए ये पूरा जेल फॉर्म में है। तो आपको ग्रीन टी के पानी में ही गोंद डालना है, ठीक है, आधे घंटे पहले। तो क्या है, ये पूरा जेल फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आपको डालना है इसमें गुलाब के पत्ते। गुलाब के पत्ते मैंने इसमें यूज़ किए हैं, देखिए गुलाब के पत्ते मैंने सुखा करके इनका पाउडर बनाया है। ये देखिए गुलाब के पत्ते का पाउडर, और गुलाब स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये क्लिंजर का काम करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि नेचुरल ऑयल होता है गुलाब में, और एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, और गुलाब आपके टोनर का काम करता है, और जो झाइयाँ होती है ना जिनको, उनकी झाइयाँ एकदम ठीक हो जाती हैं गुलाब से। लेकिन एक दिन में नहीं, आपको यूज़ करना पड़ेगा ये। और ये नेचुरल सनस्क्रीन का भी काम करता है, और उसमें विटामिन सी होता है, जो गुलाब का विटामिन सी होता है बहुत पावरफुल होता है, और स्किन को आपको ग्लो लाता है गुलाब, ठीक है। इसमें मैंने डाला है चंदन पाउडर। चंदन पाउडर भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, चंदन में क्या एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं चंदन पाउडर में, और आपके जो सन टैन होता है उसको बिल्कुल ठीक कर देता है, और जिनको झुर्रियाँ होती है उनकी झुर्रियाँ भी ठीक हो जाती है चंदन पाउडर से। और आपको पता है चंदन पाउडर आप जब पैक में या मास्क में जिस चीज़ में भी लगाते हैं उनका कलर थोड़ा फेयर हो जाता है, क्योंकि चंदन बहुत ठंडा भी होता है, और आपकी जो डेड स्किन होती है ना उसको रिमूव करता है, और दाग धब्बे हटाता है आपकी स्किन के। तो जिनकी स्किन डेड हो जाती है स्किन पे, हमारा क्या होता है जब कलर थोड़ा डार्क होता है तो वो क्या तो उतना डार्क नहीं होता, आपकी स्किन पर क्या होता है एक डेड सेल्स की परत जम जाती है, और उसी से आपकी स्किन डल लगती है। और ये चंदन पाउडर क्या होता है कि चंदन पाउडर है, जैसे ये संतरे के छिलके हैं, ये सब चीज़ें क्या करती हैं आपकी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करती हैं, और आपके जो सेल्स हैं नए उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। और जब डेड सेल्स आपकी स्किन के रिमूव हो जाते हैं तो आपका क्या है कलर फेयर लगता है, फेयर क्या 1 से 2 टोन फेयर लगता है, क्योंकि आपके डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं। तो स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। और इसमें मैंने डाला है ये मुलेठी, देखिए ये मुलेठी का पाउडर है। मुलेठी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, मुलेठी में पोटेशियम होता है, और इसमें पोटेशियम क्या करता है आपके मॉइस्चर का काम करता है, और जिनको खुजली होती है उनके लिए मुलेठी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये एक तो क्या है ठंडी भी होती है बहुत, और इसमें प्रोटीन होता है, इसमें फास्फोरस भी होता है, फास्फोरस स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन्स होते हैं बहुत मुलेठी में, और ये क्या करते हैं आपके सेल्स को बहुत हेल्दी रखते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आपके मुलेठी में एसेंशियल ऑयल होता है, और एसेंशियल आपको पता है आपको क्रीम में भी डाला जाता है एसेंशियल ऑयल, आपके जैसे क्रीम है आप कोई मॉइस्चराइजर लगाते हैं आप कोई, उनमें सब में एसेंशियल ऑयल होता है, और ये क्या है आपका मुलेठी में ऑलरेडी एसेंशियल ऑयल होता है, ठीक है। आप जब पैक लगाएंगे तो आपको ये क्या है बहुत अच्छा आपको असर करेगा आपकी स्किन में। तो मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे बनाना है। देखिए ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ये देखिए बना के रखा हुआ है। इसमें क्या करना है आपको, एक बोल लेना है खाली, उसमें आपको डालना है ये देखिए, ये मैंने लिया है गोंद, 1 चम्मच गोंद का जेल लेना है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ये मैंने एलोवेरा जेल पहले से निकाल के रखा हुआ है, इसमें 1 चम्मच एलो, एक बोल में 1 चम्मच गोंद लेना है, और 1 चम्मच एलोवेरा का जेल लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें लेना है आपको 1/2 चम्मच के करीब मुलेठी का पाउडर, और ये 1/2 चम्मच के करीब लेना है चंदन पाउडर, और इसमें संतरे के छिलके लेने हैं। मैंने इसका संतरे के छिलकों को देखो सुखा के ना पाउडर बनाया हुआ है, ठीक है। और ये है गुलाब के पत्ते, गुलाब के पत्तों को भी मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, सुखा करके मैं पाउडर भी बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे पैक में इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इन सबको क्या करना है आपको मिक्स करना है, और ये देखिए ये मिक्स करने के बाद ऐसा हो जाएगा पूरा, थोड़ा ठीक हो गया है ये, और
ये पूरा एकदम हार्ड है। आप जैसे इसे स्किन में लगाएंगे, ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे आप इसे स्किन में लगाएंगे तो उसकी एक मोटी सी लेयर हो जाती है, क्योंकि ये मास्क है। तो इसे आपको कैसे लगाना है, आपको इसे चिन से लेकर के ऊपर की साइड में लगाना है। मास्क को कभी भी आप ऐसे इधर उधर ऐसे करके नहीं लगा सकते कि आपने नीचे की साइड में लगाया, क्योंकि क्या है इससे स्किन टाइट हो जाती है और फिर जैसे लगी होगी टाइट वो वैसे ही रहेगी। तो आपको क्या करना है स्किन टाइट करने के लिए, स्किन नीचे ना लटके, उसके लिए आपको क्या करना है चिन से सीधे ऊपर की तरफ ले जाना है, फोरहेड की तरफ, ठीक है। अब इससे क्या होगा, स्किन आपकी टाइट हो जाएगी। जिनकी स्किन में जैसे आपके अपर लिप के आसपास किसी को लाइंस होती हैं, किसी को क्या आईज के पास लाइन हो जाती हैं पूरी, जैसे आप धूप में जैसे जाते हैं तो आपकी आँख थोड़ी थोड़ी बंद हो जाती हैं और आपको वैसे ही आपको फिर निशान भी वैसे ही लाइन सब परमानेंट आपकी स्किन में हो जाती हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये क्या है आपकी स्किन को टाइट करता है, स्किन को आपकी ग्लो करता है और आपकी जो स्किन के डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करता है, आपकी स्किन में चमक लाता है और स्किन वाइटनिंग का काम करता है। तो थैंक यू, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।